एक एक नियम यूनिट्री मेथड आज हम सीखेंगे, एक एक नियम यूनिट्री मेथड, इसमें क्या करना होता है। हाँ आंसर आने लगे आपके, लेकिन पहले सीखते हैं एक एक नियम में क्या होगा। हम एक का पहला एक का निकालेंगे, फिर जितनों के पूछे जाएंगे उत्तर के बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ दो सेब की कीमत आपको 10 दे रखी है, तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, एक सेब की कीमत आपकी 5 रुपए। कैसे निकाला आपने, दो सेब की कीमत यदि 10 रुपए तो एक सेब की कीमत 5 रुपए, डिवाइड कर दो 10/2, तो आपका कितना हो गया, एक सेब की कीमत 5 रुपए, तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 × 3 = 15, 5 + 5 + 5 = 15। 10 / 2 तो आपकी एक की कीमत कितनी आ गई, 5। ऐसे ही आपको यहां दे रखा है एक टमाटर की कीमत 2 रुपए, बैंगन की कीमत 3 रुपए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है एक पूरा टमाटर, एक आधा टमाटर और एक बैंगन, इसकी कीमत बताओ कितनी होगी। तो एक टमाटर की कीमत यदि 2 रुपए है तो आधे टमाटर की कीमत कितनी हो जाएगी, आधी, आधे टमाटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपए। सभी बच्चे ध्यान से देखें, 6 नहीं 7, कैसे आधे टमाटर की कीमत 1 रुपए, हाँ 6, तो 2 + 1 + 3, 6 और 7 आपके आधे आधे आ रहे हैं बच्चों के, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या आएगा, 6, 7 नहीं आएगा बच्चों, 6 आंसर आ रहा है। कैसे, एक टमाटर की कीमत 2 रुपए है तो आधे टमाटर की कीमत कितनी होगी, 1 रुपए। तो यहाँ पर ये 2 रुपए का टमाटर पूरा, 1 रुपए का आधा टमाटर और 3 रुपए का बैंगन, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6। सबको क्लियर है, 7 वालों को समझ में आया, 7 नहीं है, 6 है आंसर, वो आधा टमाटर है, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, एक अंगूर का गुच्छा और एक आम का, आम कितने रुपए के, 12 रुपए के, और क्वेश्चन में फिर आगे दे रखा है एक अंगूर का गुच्छा और दो आम मिलाकर 16 रुपए के हो रहे हैं, तो बताइए एक आम और दो अंगूर के गुच्छे कितने के होंगे। आने लगे आंसर आपके, सबके अलग अलग आ रहे हैं, 18 है 16 है, देखते हैं। तो पहले आपको क्या दे रखा है, एक अंगूर और एक आम की कीमत कितनी है, 12 रुपए, तो यहां से आपको इसकी कीमत पता चल गई, ये कितनी है, 12 रुपए, इसकी कीमत 12 रुपए है, ऊपर से पूरी पूरी वैल्यू रख दी, तो एक आम की कीमत कितनी आई, एक आम की कीमत आपकी कितनी आई, 16 - 12, 16 में से 12 घटा दो, कि इसकी कीमत 12 रुपए है, इसे घटा दो, 16 - 12 कितना, 4 रुपए, एक आम की कीमत आपकी कितनी आ गई, 4 रुपए। जब एक आम 4 रुपए का है तो एक अंगूर का गुच्छा कितने का हो जाएगा, 12 - 4 = 8 रुपए। तो ये आपका एक अंगूर का गुच्छा 8 रुपए का आ गया, तो ये 8 + 8 और ये आपका कितना, 4, तो ये कितना हो गया, 8 और 8 = 16 + 4 = 20, तो ना तो आपका 16 आया ना 18 आया। बच्चों जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देना है, पहले समझना है। अब सबको समझ में आया कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का, सबको क्लियर हुआ। पहले क्या करा, फिर से ध्यान से समझो, पहले क्या है, हमें ये दे रखा है कि एक अंगूर का गुच्छा और एक आम कितने, 12 रुपए का है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 12 रुपए, तो एक आम की कीमत कितनी आ गई, एक आम की कीमत यहाँ से, एक आम की कीमत 16 - 12 दैट इज 4 रुपए आ गई, 4 रुपए एक आम की कीमत आ गई, तो यहाँ 4 रुपए इस आम की कीमत 4 रुपए हो गई, तो अंगूर की कीमत कितनी होगी, 12 - 4 ये 8 रुपए का हो जाएगा, तभी तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये आपका एक अंगूर का गुच्छा 8 का हो गया और आम 4 का, तो वो हमने एक अंगूर का गुच्छा और है 8 रुपए का और लगा दिया, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 20, क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन सभी बच्चे जल्दी से पोल में देंगे, पोल में इसका आंसर देंगे, कोई भी चैट में नहीं देगा, मैं पोल खोल रही हूँ, आप सभी इसका आंसर पोल में दीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आलू दे रखे हैं, दो आलू की कीमत दे रखी है,
20 रुपए और पूछा जा रहा है 4 आलूओं की कीमत कितनी होगी। ठीक है, पोल सेक्शन देखिए अब आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। से बताना। हाँ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 आलू की कीमत 20 रुपए है, तो 4 आलू की कीमत पूछी जा रही है कितनी होगी। दो आलू यदि आपके 20 रुपए के हैं तो 4 आलू कितने के होंगे ये पूछ रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सब बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है 2 आलू की कीमत यदि 20 रुपए है तो 1 आलू की कीमत कितनी हो जाएगी 10 रुपए। 10 रुपए तो 4 आलू की कीमत कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी 40 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों सबको क्लियर हुआ, बताएं सबको क्लियर है। यस मैम, मैम ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए है सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से पहले समझिए क्या दे रखा है, एक शलजम और एक खरबूजा, इस टाइप के आपको दे रखे हैं। तो पहले सॉल्व करें उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से देखें, प्लस माइनस आपको नीचे जो है एक प्लस है एक माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, एक प्लस है एक माइनस है। आने लगे बच्चों आंसर। नहीं आया। बच्चों समझ में, मैं फिर से बता रही हूँ, एक यहाँ पर सब्जी दे रखी है शलजम की, वो कह रहे हैं 12 रुपए किलो है। ठीक है, उसकी कीमत 12 रुपए किलो है। एक खरबूजे की कीमत है 14 रुपए पर किलो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक खरबूजा प्लस आधा खरबूजा माइनस शलजम प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसकी कीमत बताएं कितनी होगी, कितने रुपए किलो। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 10, 14, 9 या मैम 8। एक बार फिर से बता दो क्योंकि हमारी क्लास लेफ्ट हो गई। अच्छा, फिर से समझ लें, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कुछ नहीं, बेसिक नियम है, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे हो। एक शलजम की कीमत आपको दे रखी है 12 रुपए पर किलो, एक खरबूजे की कीमत दे रखी है 14 रुपए पर किलो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक पूरा खरबूजा, एक आधा खरबूजा और एक शलजम, इनके बीच में रिलेशन है कि एक पूरा खरबूजा प्लस कीमत आधे खरबूजे की माइनस एक शलजम की कीमत कितनी होगी। ऑप्शंस हैं 10, 14, 9 या 8। मैम हमने कर लिया। हाँ, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर दें। सभी बच्चे दें आंसर। आ रहे हैं बच्चों, आधे बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी आधे बच्चे भी आंसर करें। बेसिक प्लस माइनस है, एक खरबूजा यदि 14 का है तो आधा कितने का होगा, 7 का। अब प्लस माइनस कर दो जल्दी से, बच्चों कोई आंसर नहीं बोलेगा। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6,
पांच, चार, तीन, दो, एक। ठीक है, टाइम आउट। तो बी सी डी ऑप्शंस आपने लगाए हैं, सी ज्यादातर बच्चों ने लगाया है, तो पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एक शलजम की कीमत 12 रुपए है, खरबूजे की कीमत 14 है, तो आधे खरबूजे की कितनी होगी? 7। ये बात समझ में आई? सात हाँ, एक पूरे खरबूजे की यदि 14 है तो आधे खरबूजे की कितनी हो जाएगी? उसकी आधी 7 रुपए। तो ये 14 रुपए का है, ये 7 का और ये 12 का। तो 12, 14 + 7 -12, ये आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्या हो गई? 14 + 7 - 12। तो इसे सॉल्व करना है, 14 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 12 घटाओगे 9। तो 21 में 12 घटाएंगे क्या आ गया? 9। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी और डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा? 9। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है। चॉकलेट्स का है, चॉकलेट का है बच्चों। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो आपको दे रखा है चॉकलेट प्लस चॉकलेट माइनस दो चॉकलेट, 2 गुणा में है। चॉकलेट को प्लस करना है। ठीक हाँ, आप इसे प्लस करें, माइनस 2 से गुणा करें, तो करें बताएं क्या होगा? इतना तो और फिर चॉकलेट लग रही, मतलब दो चॉकलेट हैं। हाँ, ये 2 चॉकलेट हैं। माइनस करना है ना प्लस करके? हाँ, पहले प्लस करिए फिर माइनस 2 चॉकलेट कर दीजिए। फोन लेते। अरे मम्मी कर रही हूँ मैं। बच्चों, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखा करें, और जब मुझसे कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर लिया करें। और सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन क्या करें, 8:30 बजे है आपकी क्लास का टाइम, 9:15 हो गया है। सभी बच्चे आंसर दें पोल में, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। करती हो मैम, जल्दी बोलो। हाँ, सभी के आंसर आ जाने दें, मैं फिर आंसर बता रही हूँ। सभी को टाइम दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, आठ बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, बाकी बच्चों ने दो 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 बच्चों ने ए बी सी ऑप्शन दिया है। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आपका क्वेश्चन कहा जा रहा था कि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, तो देखो एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट 2 चॉकलेट हो गई। अब 2 में से 2 चॉकलेट माइनस कर दोगे तो कितनी चॉकलेट होंगी? 0। 2 में से 2 चॉकलेट घटा दोगे तो 0 चॉकलेट होंगी। या जब चॉकलेट ही नहीं है तो उसका मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पहले तो आपने एक चॉकलेट में एक चॉकलेट जोड़ी, एक चॉकलेट में एक चॉकलेट जोड़ोगे कितनी आ जाएंगी? 2 चॉकलेट। और 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटा दोगे तो ये आपकी क्या एक भी चॉकलेट नहीं बचेगी? 2 में से 2 चॉकलेट घटा दोगे तो कोई बची नहीं। जब चॉकलेट ही नहीं है तो उसका मूल्य क्या होगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। बताओ, सबको क्लियर हुआ? क्लियर यस मैम। है ना सबको? पहले हमने एक चॉकलेट में एक चॉकलेट जोड़ी, 2 चॉकलेट हो गई। अब 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटा देंगे तो कितनी चॉकलेट बची है? एक भी नहीं, 0। 0 बची तो 0 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? 0। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन इसका डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताएं। आप ध्यान से बताइएगा इसका आंसर पोल सेक्शन में। ऑप्शन दे रखे, पहले सॉल्व करना है। आपको क्या दे रखा है? एक मिल्क का पैकेट माइनस बिस्किट का पैकेट 50 रुपए,
एक बिस्किट का पैकेट कितने का है, 10 रुपए का है, तो एक मिल्क पैकेट प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट इज इक्वल टू कितना होगा? आने लगे आंसर बच्चों, ध्यान से करें। प्लस माइनस ध्यान से देखिए, कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है, उसी में आप गलती कर रहे हैं। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। मैम जल्दी जल्दी में गलत लग गया। कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, पोल के बाद मैं चैट का ऑप्शन खोल दूंगी, आप चैट में रिप्लाई कर दीजिएगा सही। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अब चैट का ऑप्शन खोल दिया है, जिन्होंने गलत टाइप कर दिया हो तो एक बार चैट में बता दे सही कौन सा आंसर है। फिर सब बता देंगे देख के उसमें से। मैम हाँ तो अब तो मैं ही बता दूंगी इसका आंसर कौन सा है, पोल में तो सबका हो ही गया, अब तो मैं ही बता रही हूँ कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है इसका। आपका पहले दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपए, ये सबने देखा। तो यहाँ पर एक मिल्क का पैकेट माइनस बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी है, 10 रुपए, वो हमने उठा के यहाँ रख दी। मिल्क माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50, ये दे रखा है आपको, तो ये आपका हुआ। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 10, मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी आई, 60 रुपए। बताएं सबको समझ में आया, गलती समझ में आई बच्चों, ना 50 है ना 60, 40 है आंसर, आंसर इसका 60 होगा, कैसे ये समझो, कैसे मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी आई, 60 रुपए। अब नीचे आपसे क्या कहा जा रहा है, मिल्क के पैकेट की कीमत 60 रुपए, बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 रुपए, माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 60। तो आंसर इसका कितना आ रहा है, 60, ऑप्शन बी सही आंसर है। मैम गलत लग गया। मैम इन दोनों का फिर से समझिए, फिर से, एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपए, 10 रुपए दे रखी है, ये मैंने 10 रुपए इसकी कीमत यहाँ ऊपर रख दी। मिल्क का पैकेट माइनस कहा जा रहा है, ये माइनस साइन है, -10 रुपए बराबर है 50 रुपए के, तो ये -10 उधर जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो मिल्क के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 10 कितनी हो गई, 50 प्लस 10 60, मिल्क के पैकेट की कीमत 60 रुपए आ गई, बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का, तो +10 -10, 10 10 आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर कितना आ गया, 60। सबको समझ में आया इसका आंसर कैसे 60 आया, इक्वेशन में गलती समझ में आई, ठीक है, तो 60 समझ में आया, पर पहले तो आप कहते वो गलती से लग गया था, तो 60 ही लगाया था, तो 60 तो आपने तुक्के से लगाया था। चलिए सबको समझ में आया इसका आंसर क्या होगा, 60। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इसे कोई भी चैट में नहीं, जल्दी से पोल में सभी बच्चे जल्दी से कर दें। क्या कह रहे हैं, यदि एक संतरे का मूल्य है 2 रुपए, तो 12 संतरों का मूल्य बताएं क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सब बच्चे पोल में दें आंसर।
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। मैम मैंने दे हाँ जिसने दे दिया बढ़िया, माइक पे मत बताएं, सभी बच्चों को टाइम दे दें करने का, जब सब कर लेंगे मैं उसके बाद आंसर बता दूंगी, ठीक है। आधे बच्चों का आंसर आया है, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन दो बच्चों ने तब भी डी दिया है, तो सभी को देखते हैं आंसर क्या होगा। सभी को पता है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि एक संतरे का मूल्य, यदि एक संतरे की कीमत कितनी है, 2 रुपए, तो 12 संतरों की कीमत कितनी होगी, 12 गुणा 2, 12 दुनी 24, कितनी होगी कीमत, 24 रुपए। सही समझ में आया, हाँ 24, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताइए इसका भी आंसर सभी का। हाँ, हाँ, सही है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर दीजिए इसका आंसर पोल में, कि यदि 5 पेन का मूल्य 40 रुपए है, 5 पेन कितने के आ रहे हैं, 40 रुपए के, तो 2 पेन कितने के आएंगे, 2 पेन का मूल्य बताएं। सभी बच्चे इसका पोल में आंसर दें। देखो पहले 5 पेन की कीमत दे रखी है, तो 1 पेन की कीमत निकाल लो, 1 पेन की कीमत निकल आएगी, फिर 2 पेन की क्या कीमत होगी ये बता दो, ठीक है। जल्दी से बताओ, हो गया, बहुत अच्छी बात है, जिसका हो गया अच्छी बात है, सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो सारे ही ऑप्शन लगा दिए आप लोगों ने, ए बी सी डी, तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा था, 5 पेन की कीमत आपको दे दी गई थी, 5 पेन की कीमत कितनी है, 40 रुपए, 40 रुपए है 5 पेन की कीमत, तो 1 पेन की कीमत कैसे निकालेंगे, डिवीजन करके, 40/5, 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 रुपए। तो 1 पेन की कीमत आपकी आ गई 8 रुपए, तो 2 पेन आपको खरीदने होंगे, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2, 8 16, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 16 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, बताइए। जिन बच्चों ने ए सी डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यूनिट्री मेथड, एक एक नियम का मतलब ही यही है, पहले एक एक वस्तु की कीमत निकालें, यदि 5 पेन की कीमत 40 रुपए है, तो 1 पेन की कीमत डिवाइड करके निकालेंगे, 1 पेन की कीमत कितनी हो गई, 40/5, कितना हो गया, 40/5, 8 रुपए, 1 पेन की कीमत 8 रुपए हो गई, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 8, 16, 2 पेन आपकी कितने के हो जाएंगे, 16 रुपए के, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, बताएं। Yes, ma'am. इसकी आंसर ऑप्शन सी है, तो आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आंसर बताएं, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि 4 अंडों का मूल्य 16 रुपए है, तो 1 दर्जन अंडों का मूल्य बताइए, पहले मुझे बताएं 1 दर्जन में कितने होते हैं अंडे, 12, हाँ 1 दर्जन में 12 अंडे, गुड,
एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो यदि 4 अंडों का मूल्य 16 रुपए है तो 12 अंडों का मूल्य बताएं कितना होगा। सभी बच्चे आंसर पोल में देंगे, कोई आंसर नहीं बोलेगा माइक पे। सभी बच्चे बच्चों यदि आपको कोई काम मुझसे नहीं कहना है तो आप अपना माइक ऑफ रखें। सागर रफ्तार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया अपना माइक को म्यूट कर लें। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। मैम हमने दे दिया। बढ़िया, सभी बच्चों को टाइम दें, सभी बच्चे आंसर दें। मैंने भी दे दिया मैम। हाँ, सबने जिन्होंने दे दिया है वो बोले नहीं, मुझे दिख रहा है अभी 8 बच्चों ने दिया है, अभी 8 ही बच्चे और हैं देने को, आधे बच्चों ने दिया है। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो ए बी सी, मोस्टली बच्चों ने बी दिया है आंसर, पर ए और सी भी दो दो बच्चों ने दिया है, तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। 4 अंडों का मूल्य, सबसे पहले आपको क्या है, एक अंडे का मूल्य निकालना है। 4 अंडों का मूल्य यदि 16 रुपए है तो एक अंडा कितने का होगा, 4 रुपए का। 16/4 दैट इज 4 रुपए का, एक अंडा 4 रुपए का हो गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है एक दर्जन में बताएं, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे। 12 अंडों की कीमत कितनी होगी, 12 अंडों का मूल्य 12 × 4, 12 की 4 से गुणा करेंगे, 12 × 4 = 48। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जल्दी से इसका आंसर बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यदि 20 ट्रॉफी का मूल्य क्या है, 20 टॉफी का मूल्य हमें दे दिया गया है 40 रुपए, तो पूछा जा रहा है एक टॉफी का मूल्य कितना होगा। सभी बच्चे, कोई भी माइक पे इसका आंसर नहीं बोलेगा, सभी पोल में आंसर देंगे, बहुत सिंपल है। जल्दी से इसका आंसर पोल में दे दो। आने लगे बच्चों आपके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी ने ये जवाब दिया, सभी का सही आंसर है 20 टॉफी की कीमत, 20 टॉफीज हैं उनकी कीमत यदि 40 रुपए है तो एक टॉफी की कीमत कितनी हो जाती है, 40/20, ये कितना हो गया, दैट इज 2। एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। अब आगे चलते हैं, बीजगणित की बात करते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित से थोड़ा सा परिचय कराते हैं। तो यदि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 संख्याओं का योग 8 है, तो बताइए संभावित संख्याएं क्या हो सकती हैं। 2 संख्याओं का बच्चों योग यदि 8 है तो संभावित संख्याएं आपकी क्या क्या हो सकती हैं, जल्दी से बताएं। कौन कौन सी संख्याओं का योग 8 हो सकता है? मैम दो बता दो। 4+4, 4+4, हाँ, 4 और 4 का योग 8 आ गया, और 2 और 6 का भी, 2 और 6 का भी योग 8 आता है, चाहे 6 और 3 और 5 का भी, 3 और 5 का भी योग आपका कितना आ गया, 8 और 7 और 1 का भी मैम, हाँ
ये आपके क्या आ गए पॉसिबल नंबर्स, जिनका योग आपका क्या आता है 8 आता है, यही तो होते हैं। तो अब यदि आप कहो कि आपकी पहली संख्या आपने मान ली 1, पहली संख्या हमने मान ली 1, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 1 और 7, आपने यही तो कहा 1 और 7, तो 7 कैसे पता चला कि पहली संख्या यदि 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 आपकी 7 हो गई। पहली संख्या यदि आपने 2 मान ली तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी 2 और 6, ये कैसे आई दूसरी संख्या, 8 में से 2 घटाया कितना आया 6, तो हमें ये क्या मिल रही है दूसरी संख्या हमारी कैसे मिल रही है 8 में से घटा के, 8 माइनस 2, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4। तो यदि हम पहली संख्या को x मान ले तो दूसरी संख्या हमें कैसे मिल रही है 8 माइनस x, तभी तो इनका योग क्या हो रहा है आपका मिलाकर 8 ही आ रहा है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 8 माइनस x, जब इनका योग कर रहे हैं तो x से x कट जा रहा है और इनका योग 8 आ जाता है। ठीक है, तो यदि हमें पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या हमने कैसे निकाल ली 8 माइनस x करके। अब जैसे यहाँ पर है, यदि दो संख्याओं का योग इन्होंने दे दिया 20 है और कह दिया पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी 8। 8 कैसे पता, 20 माइनस 12, 20 माइनस पहली संख्या, यदि पहली संख्या x माननी थी तो दूसरी संख्या क्या होगी 20 माइनस x, तो पहली संख्या यदि 12 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितनी हो गई 8। ठीक है, क्लियर है, दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 8, तो ये आपका आ गई दूसरी संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए एक गेम खेलते हैं, आप में से क्या 0 से 10 तक कोई भी एक संख्या सोचिए मन में, सभी बच्चे अपने मन में 0 में से 1 संख्या सोचे, 0 से 10 तक कोई भी एक संख्या सोचो, सोच ली, आप उसकी संख्या की गुणा 2 से करो, उस संख्या की गुणा 2 से करो, उस संख्या की गुणा 2 से करो। मैम कर ली। हाँ, अब जो नई संख्या आई है उसमें 2 जोड़ो, जो नई संख्या जोड़ लिया उसमें 2 जोड़ो। ठीक है, फिर अब जो नई संख्या आई है उसमें 2 घटाओ, घटा दी। हाँ, तो घटा देने के बाद देखो आपका उत्तर ये आ रहा होगा, यदि आपने कोई संख्या सोची होगी तो उसका उत्तर आपके सामने वाली टेबल में आओगा। जैसे कोई एक बच्चा बता, यस मैम, कितना आया मैम, 14 आया है। हाँ, तो आपने 7 सोची होगी तभी आपका आंसर कितना आया 14। सभी बच्चे जैसे चेक करो, मैम ने हमारी 10 आया है, ने भी उत्तर 10 आया है, तो आपने संख्या 5 सोची होगी। यस मैम। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो देखो सबसे पहले जैसे आपने मन में 5 सोचा था, आपके मन की सोची हुई संख्या 5 थी, अब मैंने आपसे कहा कि 5 को 2 से गुणा करूं, पहले सबसे पहले मैंने यही तो कहा कि अपने मन में गुणा करो 2 से, तो 5 की 2 से गुणा करी तो आपका कितना आ गया 10। ठीक है, फिर मैंने कहा 10 में 2 जोड़ो, आपने 10 में 2 जोड़ा होगा, कितना आ गया होगा 12, 10 में 2 जोड़ा होगा, 10 प्लस 2 कितना 12। ठीक है, ये आपने 10 में 2 जोड़ा होगा, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। फिर मैंने कहा 12 में से 2 घटा दो, तो आपने क्या करा होगा 12 माइनस 2 करा होगा, 12 माइनस 2 कितना आ गया 10, तो आपका उत्तर कितना आ गया 10। तो आपका उत्तर 10 आ गया, तो वाकई में आपने वर्क किया क्या, आपने क्या करा, पहले एक संख्या क्या सोची n। एलजेब्रा में क्या करते हैं, एलजेब्रा में हम कोई भी एक वेरिएबल दे देते हैं चर, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यही एलजेब्रा है, एलजेब्रा बीजगणित कुछ नहीं है, एक वैल्यू हम उसे n दे दें या x दे दें, कुछ भी दे दें, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जब कुछ भी हो सकती है तो हमने इसे पहले कहा इसकी 2 से गुणा करो, तो n की 2 से गुणा करने पर यहाँ पे क्या आ गया 2n। बच्चों माइक अपना सभी बंद रखेंगे, माइक सभी बंद रखें, आपकी आवाज आती है तो क्लास वो होती है। एन को 2 से गुणा करने पर ये कितना आ गया 2n।
अब 2n में मैंने कहा कि दो जोड़ो, तो 2n में दो जोड़ने पर क्या आ जाएगा बच्चों? मैं फिर सबके माइक बंद कर दूंगी, आप प्राची शर्मा के नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक बंद रखे, माइक बंद रखे, ठीक है? तो 2n में दो जोड़ने पर, अब आगे मैंने कहा 2n में दो जोड़ो, तो 2n में दो जोड़ने पर कितना आ गया होगा? 2n+2। फिर 2n+2 में से मैंने कहा दो घटाओ, तो ये 2n+2 -2 करोगे तो क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2n। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 2n। तो आपका, यदि आपने उसे n चुना है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2n, 2 × 5 = 10, आपका आंसर 2 गुना हो गया। वही आपकी टेबल थी कि आंसर हमेशा क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। यदि आप n सोच रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 2n आ रहा है। तो देखिए आपकी टेबल में यही था, जब जब आप 0 सोच रहे थे तो उसका 2 गुना आंसर आ रहा था। 0 सोचा तो 0, 1 सोचा तो 1 की गुणा कर देंगे, 2 × 1 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 20। तो वो इस तरीके से बनाई इक्वेशन ऐसी थी कि आपको उसका आंसर दुगना ही मिलता। सबको ये समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, सबको क्लियर है? तो अब आगे चलें। तो जैसे यहाँ पे, मैम तो अब ऐसे ही एक और करते हैं। चलो, अपने मन में अपने बर्थडे का मंथ सोचो, कोई भी जिस मंथ में आपकी बर्थडे होती है, जन्मदिन जिस मंथ में होता है वो मंथ सोचो, सोच लिया ठीक है? ठीक है, आपकी कौन सी बर्थडे, कौन से उसमें होती है? अक्टूबर अक्टूबर में। में। अक्टूबर में, तो अक्टूबर का आप क्या सोच लोगे? 10। 10 अंक आपने ले लिया। अब सोचे गए महीने में 10 जोड़ लो, 10 जोड़ो, जो भी अंक आपका सोचा हुआ महीना है उसमें आप 10 ऐड करो, ये अंक संख्या लो और उसमें 10 ऐड कर लो। कर लिया। हाँ, 10 ऐड करने के बाद अब जो जोड़ आया है उसमें से 5 घटा लो, 5 घटा लो, 5 घटा लो बच्चों, 5 घटा लोगे तो देखो आपका उत्तर ये आपका आया होगा। आपका उत्तर चेक करो, जिस महीने में आपकी बर्थडे होगी तो आपका उत्तर ये आया होगा। मेरा सही है, यही था। ठीक है, हमारे सही में 6 है, हमारे भी ठीक है। आपका जनवरी में बर्थडे होता है? 14 आया है जनवरी। हाँ, आपका 14 आया, तो आपके सितंबर में बर्थडे होता है। मेरा भी तो ये आखिर किया सही कैसे है, है? मेरा भी सही हाँ, तो 6 आया तो आपका जनवरी में बर्थडे होता है। तो ये हुआ कैसे? तो देखो, सबसे पहले जैसे मान लो, हमारे 6 आया। किसका लें, किसका लें, 6 वाले का लें, जनवरी वाले का? आपका बर्थडे माना जनवरी में होता है, तो जनवरी में आपका बर्थडे है, तो आपने कौन सी संख्या ली? 1। उस वाली टेबल में आपकी संख्याएं ये दे रखी थी बर्थडे मंथ की, तो आपने संख्या ली 1। अब मैंने उसमें कहा कि 1 में 10 जोड़ो। 1 में 10 जोड़ने पर आपने क्या किया? 1 + 10 कितना हो गया आपका? 11। फिर मैंने कहा उसमें से 5 घटा दो, 11 में से 5 घटाया होगा, तो 11 में से 5 घटाने पर कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से आपकी टेबल आ गई। तो वही हम एन पे करें, आपके जो भी महीने हैं उसमें आप 10 जोड़ोगे फिर 5 घटाओगे, तो कितनी आ जाएगी आपकी संख्या? पहले आपने एन मानी, 10 जोड़ी फिर 5 घटा दी, तो n+10 - 5 कितना हो गया? n+5। तो आपकी हर संख्या में 5 5 का जोड़ लगाया है। देखो, 5 5 का हर में जोड़, यदि आपका एन है तो आंसर क्या आ रहा है? n+5। 1 है तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 6। 2 में 5 जोड़ोगे 7, 3 में 5 जोड़ रहे हैं 8, 4 में 5 जोड़ रहे हैं 9। तो ये कुछ भी नहीं, आपकी मैथ है। आपको लग रहा है मैंने कोई ट्रिक करी है, वही आंसर आ गया सबका, सबने अलग अलग लिया लेकिन सबका सही आंसर आ गया? नहीं, इसमें बस इतनी ट्रिक थी कि हर एक में क्या करना पड़ रहा था? सिर्फ 5 जोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, सबको समझ में आया? एलजेब्रा क्या है? बीजगणित में हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक चर ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एन लिया, और उसे जो जो आप वैल्यू देते जाओगे आपकी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी सा है, राजू और मोहन का है। राजू और मोहन की गुल्लक में
कुल 1500 रुपए हैं, ठीक है? तो दोनों की गुल्लक में 1500 रुपए हैं। यदि राजू की गुल्लक में 950 रुपए हैं तो मोहन की गुल्लक में उपस्थित धनराशि बताएं कितनी होगी? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। राजू और मोहन की गुल्लक में कुल 1500 रुपए हैं। यदि राजू की गुल्लक में 950 रुपए हैं तो मोहन की गुल्लक में उपस्थित धनराशि ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, आधे बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, पर ए और डी भी एक एक बच्चों ने दिया है। तो आंसर देखिए क्या होगा। राजू और मोहन की गुल्लक में कुल कितने 1500 रुपए हैं। ये राजू की गुल्लक हो गई, ये मोहन की गुल्लक हो गई। दोनों की गुल्लक में कितने 1500 रुपए हैं। यदि राजू की गुल्लक में 950 रुपए हैं तो मोहन की गुल्लक में बताओ कितने रुपए होंगे, ये कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो मोहन की गुल्लक के रुपए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1500 में से 950 माइनस करने होंगे। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 0 में से 5 नहीं जा सकता। क्या लेंगे, हासिल, सबको हासिल लेना आता है। ये 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, अभी आपका 4 में से 14 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 14 में से 9 जाएगा 5, तो 550 रुपए बचेंगे। मोहन की गुल्लक में कितने होंगे, 550 रुपए। सबको क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था, एक एक दो दो बच्चों ने, उन्हें भी क्लियर है कैसे इसका आंसर क्या ठीक आएगा, 550। ठीक है, तो ये आपका एक एक मेथड था, एक एक नियम, जिसके सहारे आप क्या करते हैं, पहले आपको कुछ वस्तुओं का मूल्य दे रखा होता है तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। तो माना आपसे यदि 5 पेन की कीमत जैसे दे रखी थी 40 रुपए, तो पहले आपने क्या करा, एक पेन की कीमत निकालते हैं। एक एक नियम, यही आपका यूनिटरी मेथड होता है कि आपको एक की कीमत निकालनी है। एक 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 की कीमत निकाले, एक पेन की कीमत कैसे निकलती है, भाग देकर 40/5 कर देंगे। 40/5 कितना हो जाएगा, 8। फिर आपसे जितने पेन की कीमत पूछी जाए उतने से गुणा कर दो। 2 पेन की कीमत पूछी जाए तो 2 से, 3 पेन की कीमत पूछी जाए तो 3 से गुणा कर दो। 3 8 24। 4 पेन की कीमत पूछी जाए तो 4 8 32। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? मैम ठीक है, सबको क्लियर है? नो मैम नो मैम हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम ठीक है, नो तो मैम हाँ, आज की क्लास के लिए आपका एक एक नियम ही था।
नेक्स्ट अब आपकी क्लास मंडे को होगी। मंडे से अब हम आपका कोर्स शुरू कर रहे हैं। आपका मंडे को क्या स्टार्ट होगा? संख्या पद्धति। आपके स्कूल में क्या चल रहा है बच्चों? मैम पॉलिनियम पॉलिनोमियल चल रहा है। हाँ मैम बहुपद। बहुपद पर पहला चैप्टर मतलब संख्या पद्धति आपका कंप्लीट हो गया। मैम हाँ तो हम मंडे से शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो एक बार सभी बच्चे पढ़कर आएंगे मंडे से। आपका इसी टाइम 8:30 से 9:30 आपका नंबर सिस्टम शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? आपके संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी आप लोगों ने पढ़ी हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्रतीक हाँ प्राकृतिक संख्या कौन पूर्ण कौन सी होती है? संख्या एक दो तीन एक चार डॉट दो तीन से लेकर अनंत तक। डॉट हाँ उसके बाद आपने कौन सी संख्याएं सीखी? पूर्ण संख्या संख्या। जीरो उन एक संख्या में, दो तीन हाँ चार उन फिर संख्या में कौन ये सी संख्या ऐड आठ होती है? होंगे। जीरो। जीरो ऐड हो जाता है तो ये आपकी क्या हो जाती है? 0, 1, 2, 3 इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद आपने क्या देखा होगा? पूर्णांक। पूर्णांक 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 पे क्या हम जो होता प्लस और है? माइनस में होते हैं। यस हाँ प्लस माइनस और जीरो भी। इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं भी मैम होती हैं 1, 2, 3। इसमें आपकी शून्य भी आता है, जीरो भी आता है, और ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 भी आता है। तो ये तो आपकी क्या थी? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या। जीरो मिलाकर ये आपकी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। और निगेटिव संख्याओं को मिला दे तो ये आपकी क्या हो गई? पूर्णांक। पूर्णांक। सबको समझ में आया? तो यही हम मंडे में पढ़ेंगे आप, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट हो तो अब आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।